नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सैनी। आप देख रहे हैं झुंझुनू के अंदर आज जो है विरोध प्रदर्शन यात्रा करे जा रही है। और यह जो रैली है या जो बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी है हिंदू समाज बन पर हो रहे अत्याचार दिखने या रैली अड़क रह जा रही है झुंझुनू महीने। तो अड़क काफ़ी सारा जो आज झुंझुनू का जो नेता लोग है वे सब मौजूद है रैली के अंदर और या जो यात्रा है इनमें आप देखेंगा और जो नेताजी है बड़े सब बातचीत करेंगे। झुंझुनू का मैंने विरोध प्रदर्शन रैली थे निकाल रहे हो, बांग्लादेश का मैंने अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहोगे ऊपर? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बड़े बर्बर अत्याचार हो रहे हैं और ये हिंदूवादी संगठनों द्वारा आक्रोश रैली है और हिंदू ने आह्वान किया है कि हम एक हैं और हमारे ऊपर कोई आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। और इस तरह की हरकतें हम हिंदुओं को सहन नहीं हो रही हैं और धैर्य टूटता जा रहा है, अब संयम का समय नहीं है। हिंदूवादी संगठन अब कोई बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और इस बात को हम जड़ से उखाड़ने के पक्ष में हैं कि हिंदू भाइयों को बचाया जाए। मैं मुझे एक तरफ आवा देखा कि बीजेपी पार्टी है बस हमेशा समाज ने एक करके रखा, लेकिन बड़ी देखा बीजेपी है कांग्रेस जो पार्टी है वह जातिगत जनगणना करवावे। कांग्रेस तो हमेशा ही देश को बांट के राज करने जा रही है, जनता को भ्रमित करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास और सबके प्रयास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। आपा देखा जाए जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आचार्य जी है वे भी 7-8 दिन तक पैदल यात्रा करी थी और जो हिंदू समाज अभी एक करने की कोशिश के लिए करी थी। निश्चित रूप से हिंदू समाज में से एक है जी। सिर्फ जागृत करने का काम कर रहे हैं। हिंदू भाइयों पर भी कहीं भी अत्याचार होगा तो हिंदू सहन नहीं करेगा। कारण के लगे अगर सब हिंदू समाज अगर पूरा एक हो जावे तो भी बाद में जो ये बांग्लादेश में जाएंगी हत्या होनी हो जाएगी। एक तो है ही, सिर्फ जागृति लाने की जरूरत है। अब हिंदू जाग चुका है और इस तरह की जो चीजें हो रही है हिंदुओं के ऊपर उसको सहन नहीं करेगा, अब जागृत हो चुका हिंदू समाज। बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति हो रखी है हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध करने के लिए वैसे तो पूरी दुनिया मानवता के नाते ये कह रहे हैं कि इस देश में जब से ये सरकार चेंज हुई है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, साधुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, अभी वकीलों के ऊपर भी जो आवाज़ उठाते हैं कानून की उनके ऊपर भी किस तरह से हमले हो रहे हैं। और हम तो शेख हसीना वहाँ की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी उसको शरण देने वाले लोग हैं। हमारे वहाँ जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है वहाँ के प्रधानमंत्री कुछ इस तरह का पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, हिंदुत्व के वो खिलाफ हैं, तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और हम UNO और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी ये मांग करते हैं कि शांति सेना भिजवा कर वहाँ के हिंदुओं की मदद की जाए और इस तरह की निंदनीय घटना जो मानवता के खिलाफ है उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर बोल रहा है। देखा बीजेपी जो हमेशा हिंदू समाज ने एक करके चल रहा है साथ में, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार हो रही है। कांग्रेस की नीति अंग्रेजों के जैसी नीति है और वो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति उन्होंने की है और वो यही अंग्रेजों ने भी यही किया था। हमारे जो 4 वर्गों में जो बंटा हुआ समाज था उसको अलग अलग जातियों में अलग अलग वर्गों में बांट के उन्होंने इतने साल तक राज किया है। और हम भाजपा का ये कहना है कि हम हिंदू हैं, हिंदू हमारी जाति एक ही जाति है और उसको संगठित होकर एक करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। आज झुंझुनू के अंदर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, मैं क्या कहना चाहूँगा? बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर पूरे भारत में हिंदू सड़कों पे उतरे हुए हैं। जो हमारी भारत की जो संस्कृति है और भारत के लोगों का जो संस्कार है उनके अंदर ये विचार रहते हैं कि हमारे पास में रहने वाले आज हमारे 20 करोड़ मुस्लिम भाई भारत के अंदर है, 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में रह रहे हैं, कभी भी ऐसा अत्याचार या कोई हमला नहीं होता है। अब ये नया भारत जो आज बांग्लादेश की ये चिंगारी है ये दूर तक विश्व तक फैले हुए हिंदुओं तक पहुंचेगी। तो
मैं ये कहना चाहूंगा, ये नया भारत कभी सहन नहीं करेगा इस लोकतंत्र में। विरोध कर रहे हैं आज, पूरा हिंदू समाज विरोध कर रहा है, हम जोर शोर से विरोध करेंगे, अत्याचार बंद करवाएंगे, उसी के तत्वाधान में आज हिंदू विरोध रैली है। आपने देखा कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी 7-8 दिन तक पैदल यात्रा करी थी जातिवाद के खिलाफ, हिंदू सब एक हो जाओ। हिंदुओं को एक रहना चाहिए, पहले भी जो कट्टरपंथियों द्वारा जुल्म हुए है और अभी भी बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे जुल्म हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए संपूर्ण हिंदू एक भारत राष्ट्र की कल्पना करता है, सब हिंदुओं को एक रखने की चेष्टा कर रहे हैं हम, उसी के तत्वाधान में ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। Stop!